प्रदीप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर दक्षिण जो है चुनाव में उनकी सीट पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है और मतदान जो है शुरू हो गया है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और सुबह से हल्की ठंड के साथ जो है लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा है। वोटिंग डालने की लगातार जो है कतारें लगी हुई है और अलग अलग जो है लोग पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। देखिए जो एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान, तो देखिए वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है। और रायपुर दक्षिण 2,71,000 जो है मतदाता है, जिसमें से 1,35,000 जो है महिला है और 1,37,000 जो है पुरुष मतदाता जो है प्रत्याशियों की किस्मत का जो है आज फैसला करेंगे। देखिए तो जो है मतदान जो है शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से और लगातार जो है लोग लंबी कतारों में आकर अपना अपना नंबर एक एक कर जो है मतदान डालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने को है, क्योंकि अगर बात करें तो दो प्रत्याशियों की लड़ाई तो है ही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की भी लड़ाई बीच ही नजर आ रही है। देखिए यहाँ से रायपुर दक्षिण में कांग्रेस की बात करें तो युवा चेहरा जो है आपका प्रत्याशी बनाया गया और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने पूर्व महापौर और पूर्व सांसद जो है सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल तो जो है अभी मतदान शुरू हो गया है और मतदान जारी है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हो तो 23 तारीख को ही जनता फैसला कर देगी आज के किसको यहाँ से दक्षिण का विधायक बनाना है, क्योंकि देखिए यहाँ से ब्रजमोहन अग्रवाल जो है लगातार 8 बार के विधायक है, वो सांसद बन गए हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद आज रायपुर दक्षिण में जो है मतदान हो रहा है। लड़की बहन माझी लाड़...